हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे जीबी व्हाट्सएप में टेक्स रिपीट कैसे करें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जीबी व्हाट्सएप ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम टेक्स मैसेज भेजने के लिए किसी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है जिससे आप टेक्स को रिपीट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, वो सिंपल तरीका है। आपको क्लिक करना है प्ले स्टोर ऐप से और ऐप पर सर्च करना है टेक्स रिपीटर, ठीक है, टेक्स रिपीटर, ठीक है ना। और इसमें से जो भी आपको टेक्स्ट रिपीटर अच्छा लगे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये रिपीटर लेता हूँ, ठीक है ना, 3.5 MB का है। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करते ही आपके सामने ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे। तो हमने इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ये रहा भैया, ओपन किए, ठीक है। और कुछ करना नहीं है यहाँ पर, जो बता रहा हूँ आपको करना है बस यहाँ पर डन पे क्लिक करना है, टेक्स रिपीटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी टेक्स लिखना है उसको लिख लीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया हैप्पी बर्थडे, और आपको इमोजी लगाना तो इमोजी भी ले सकते हैं इसमें, तो मैं ये इमोजी ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कितनी बार आपको टेक्स रिपीट कराना है, 1000 बार, 10000 बार, जितना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं 10000 यानी 10000 कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद ये कह रहा है कि रेगुलर में चाहिए, वन डायल में चाहिए या फिर स्पेस में चाहिए। जैसे मान लीजिए रेगुलर में करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, वन लाइन में करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और स्पेस वाला करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर वन लाइन में करता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपको स्टाइल चाहिए उस स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, इसको कॉपी कर लेना है और अपने जीबी व्हाट्सएप में जाना है। अब जिसको भी भेजना है उसके टेक्स में जाकर इसको पेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और पेस्ट पे क्लिक करने के बाद अभी ये सभी जो भी टेक्स थे वो सब यहाँ पर आना चालू हो जाएंगे। जैसे मैंने थोड़ा लंबा दिया ना इसलिए थोड़ा हैंग कर दिया। हाँ दोस्तों, वो जैसे वो क्या है ना कि ज़्यादा हो गया था इसलिए वो हैंग कर दिया था, लेकिन अब हम इसको थोड़ा कम कर दे रहे हैं, यानी 100 पे कर दे रहे हैं, ठीक है। रीजनरेट करते हैं, 100 पे रहते हैं और वो कॉपी करते हैं। आप ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा हैंग कर गया था, ज़्यादा कर दिया था हमने, ठीक है। यहाँ पर गए और यहाँ पर टैक्स लिखा और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी से जीबी व्हाट्सएप में टैक्स रिपीट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।